वेलकम स्टूडेंट्स टू चाइना स्टडी 24/7 एंड गाइज आई एम विद द न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड यस्टरडे आई हैड अपलोडेड द वीडियो ऑफ 2010 इडियोम्स एंड फ्रेजेस 2010 में जितने भी इडियोम्स और फ्रेजेस आई थी वो मैंने अपलोड किया था वीडियो इंग्लिश का और आज भी इडियोम्स और फ्रेजेस का ही वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसमें गाइज 2011 और 12 का जो 12 में जो भी वीडियो इडियोम्स और फ्रेजेस आ चुके हैं ये हम डिस्कस करेंगे ठीक है। और बाद में फिर 13 और 14 का गाइस वीडियो आएगा और फिर 15 ठीक है। सो 6 साल के इडियम्स और फ्रेजेस हम कवर कर रहे हैं गाइस। ऐसे ही अदर टॉपिक जो है इंग्लिश के ये भी कवर हो जाएंगे ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में। सो गाइस हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस 2011 का ये इडियम्स और फ्रेजेस है। सो पहले डिस्कस करते हैं टू फॉर्म एट वंस माउथ इसका क्या मीनिंग होता है। सो गाइस टू फॉर्म एट वंस माउथ इसका मीनिंग होता है टू गेट वेरी एंग्री ठीक है बहुत गुस्सा आना इसे कहते हैं टू फॉर्म एट वंस माउथ ठीक है। सो इसका मीनिंग होता है टू गेट वेरी एंग्री ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होता है गाइज इसका मीनिंग होता है अनकम्फर्टेबल। देखिए आप अगर अनकम्फर्टेबल यानी महसूस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कह सकते हैं टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे फिश को हमने आउट ऑफ वाटर निकाल दिया तो वो भी मैंने वो तो जी नहीं पाती लेकिन अनकंफर्टेबल सिचुएशन ही उसके लिए हो जाती है ठीक है। सो गाइज इसका आंसर बी रहेगा ठीक है। सो कुछ कुछ देखिए गाइज जो फ्रेजेस इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं गाइज हम उनके जो स्ट्रक्चर होता है उससे ही हम पता लगा सकते हैं उसमें से एक दो वर्ड चुन के कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो कभी कभी हमारा कॉमन सेंस जो होता है जो हम डेली रूटीन में हम कभी इंग्लिश यूज़ करते हैं तो उसमें से भी हम आंसर कर सकते हैं गाइज। तो ये भी ध्यान रखिए पेपर सॉल्व करते समय कि अगर एकदम से यार इडियम्स और फ्रेजेस हैं मैं कैसे इसका मीनिंग ढूंढ पाऊंगा। सो गाइज पहले पढ़िए इडियम्स और फ्रेजेस को प्रॉपरली पढ़िए जो भी है और फिर थोड़ा अपना लॉजिक लगा के भी हम आंसर को वहाँ पे टिक कर सकते हैं ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का क्या मीनिंग होता है गाइज एट द लास्ट मोमेंट ठीक है। ठीक है ये लास्ट होना चाहिए यहाँ पे तो लिस्ट हो गए लेकिन एट द लास्ट मोमेंट ठीक है। सो ये अभी आप भी देखिए अगर जनरल थिंकिंग हम करें तो हम बोलते हैं यार लास्ट टाइम में बहुत सारी पढ़ाई आ जाती है पेपर के लास्ट टाइम पे ही बहुत सारा तो एट द 11th आवर बहुत सारे कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है ठीक है। सो इसका आंसर डी रहेगा गाइज एट द लास्ट मोमेंट। बाद में गाइज डिस्कस करेंगे टू बर्न वंस फिंगर्स ठीक है। टू बर्न वंस फिंगर तो इसका मीनिंग होता है गाइज टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस ठीक है। फाइनेंशियल अगर आपको लॉस हुआ है तो फिर आप कह सकते हैं कि टू बर्न वंस फिंगर ठीक है। तो सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस ये इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट गाइज टू ऐड फ्यूल टू फायर। अब ये देखिए हम वैसे नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसी बात करते हैं यार क्यों तू आग में तेल डाल रहा है ऐसे कुछ हम बोलते हैं राइट। सो इसको कहते हैं टू इंसाइट ठीक है यानी और भड़काना और ज़्यादा भड़काना ठीक है। सो टू ऐड फ्यूल टू फायर ठीक है। सो गाइज ये हो गए 2011 के इडियम्स और फ्रेजेस। 2012 की अभी बात करेंगे हम गाइज। सो इसमें देखिए कैसे और एक स्ट्रक्चर भी ऐसे फिक्स नहीं रहता इडियम्स और फ्रेजेस कैसे पूछेंगे। देखिए 2011 में ऐसे सीधे सीधे आपको फ्रेजेस दी हुई थी आपको मीनिंग ढूंढना था। अभी स्टेटमेंट थ्रू आपको ढूंढना है तो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहता है उसमें आपको इडियम और फ्रेज भी पता होनी चाहिए कि यार एग्जैक्टली ये इडियम और फ्रेज है तो वो तो हमें पॉइंट आउट होती ही है वैसे। सो देखिए इस सेंटेंस में अभी कैसे होगा दी मदर इन लॉ एक्सपेक्टेड हर डॉटर इन लॉ टू बी ऑलवेज एट हर बेक एंड कॉल। सो गाइज ये बेक एंड कॉल ये होगी यहाँ पे फ्रेजिंग ठीक है। तो अब ये फ्रेज जो है इसका मीनिंग क्या होगा तो अभी देखिए इस सेंटेंस से ही आप पता लगा सकते हैं कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है गाइज कि मेरे बस आवाज़ पे ही तूने रेडी रहना चाहिए ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होगा गाइज फिर फर्स्ट का रेडी टू सर्व ठीक है। हमेशा मैं जो भी कहूँ उसे करने के लिए आप तैयार होने चाहिए वहाँ पे ठीक है। बाद में नेक्स्ट व्हेन आई ओपन द डोर माय बुक्स वेयर लाइंग एट सिक्सेस एंड सेवेंस। देखिए सिक्सेस एंड सेवेंस ये हो गई फ्रेज यहाँ पे इडियम हो गई ठीक है। तो अभी इसका मीनिंग क्या होगा गाइस तो मुझे बताइए आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तभी आप पता लगा सकते हैं कि व्हेन आई ओपन द डोर माय बुक्स वेयर लाइंग एट। सो वेयर लाइंग एट से आप पता लगा सकते हैं यार कुछ तो भी बुक्स अरेंज नहीं होगी प्रॉपरली ऐसे कुछ होगा तो इन डिसऑर्डर ठीक है। तो हम इसका आंसर
बी लिख सकते हैं, तो वही है इन डिसऑर्डर, ठीक है। सो गाइज ऐसे आपको थोड़ा जनरल थिंकिंग करके भी आप आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, हिज बिहेवियर इंडिकेट्स दैट ही हैज़ ब्लू बर्ड। सो गाइज अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कभी किसी को लगता है ब्लू ब्लड यानी एंग्री होना ये भी हो सकता है, या फिर अच्छा होना ये भी हो सकता है, या फिर कुछ डिसीज भी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए अगर हमें परफेक्ट पता है तभी ठीक करना चाहिए। तो गाइज इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, यानी वो ईमानदारी हम बोलते हैं ना इसको, ये होता है जो बोलते हैं यार उसके खून में ईमानदारी है ऐसे। हिज बिहेवियर इंडिकेट्स दैट ही हैज़ ब्लू ब्लड, यानी बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, ठीक है, रॉयल फैमिली या नोबेल फैमिली हम जो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट गाइज डिस्कस करेंगे, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द हिडन एजेंडा इन यस्टरडेज मीटिंग। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के आप आंसर कर सकते हैं, हिडन एजेंडा यानी सीक्रेट रीजन होगा कुछ, वही वो बोल रहे कि मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द हिडन एजेंडा, तो हिडन एजेंडा द हिडन एजेंडा इसका मीनिंग हमें ढूंढ निकालना है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या होगा गाइज, सीक्रेट रीजन, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, He always seems to get the lion's share of the project. देखिए अब इसमें भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, lion's share बोला है सो डायरेक्टली क्या आएगा, मेजर शेयर, ठीक है। सो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, मेजर शेयर यानी lion's share, इसका मीनिंग हमें निकालना था, the lion's share ये हमें फ्रेज दी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइज, ओलिवर ट्विस्ट हैज़ बिटवीन सॉरी वॉज बिटवीन ब्लैक एंड ब्लू एंड ब्लू वेन ही हैज़ आस्क फॉर मोर फूड, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट को, ओलिवर ट्विस्ट वॉज बिटवीन ब्लैक एंड ब्लू व्हेन ही आस्क्ड, उसने अगर उसने जब पूछा और कुछ खाने के लिए दो इसके लिए, तब तो इसका मीनिंग गाइज होता है थ्रैश सेवरली, ठीक है। सो ये भी हो सकता है गाइज, हाँ यही होगा, थ्रैश सेवरली यानी हम, मैं आपको हिंदी में इसका मीनिंग बता देता हूँ, पीट पीट कर छाल उधार देना, ऐसे हम बोलते हैं ना, छाल उधार देना, चमड़ी उधार देना, उधार देना जो है ये इसका मीनिंग होता है, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। सो गाइस सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, टू पुल उल ओवर समवनस आई, तो इसका क्या मीनिंग होता है गाइस, टू डिसीव अनदर, किसी को फंसाना, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, टू डिसीव अनदर यानी टू पुल उल ओवर समवनस आई, ठीक है, इसका मीनिंग होगा टू डिसीव अनदर। नेक्स्ट, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ पोजिशन वेयर आई हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, तो गाइज हमें फ्रेज ये निकालनी है, द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मीनिंग हमें ढूंढ निकालना है। सो गाइज ये इसका मीनिंग होगा बिटवीन द टू इक्वल इविल्स, देखिए यानी इन यानी हम बोल सकते कि अनडिजायरेबल सी, दोनों चीज़ें वहाँ पे अनडिजायरेबल है, दोनों चीज़ें नहीं चाहिए लेकिन चूज़ तो करना पड़ेगा गाइज, ऐसे वहाँ पे कहा जा रहा है। सो इसका मीनिंग होता है बिटवीन द टू इक्वल इविल्स, तो द डेविल एंड द डीप ब्लू सी का मीनिंग होगा बिटवीन द टू इक्वल इविल्स, ठीक है। और नेक्स्ट गाइज, इवन अ स्मॉल टॉय कैन बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू चिल्ड्रन। सो गाइज यहाँ से आप अभी जनरल थिंकिंग लगा सकते हैं कि स्मॉल टॉय कैन बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अब डिस्कॉर्ड से आप पता लगा सकते हैं कि यार इसमें थोड़ी झगड़े की बात हो रही है, बिटवीन टू चिल्ड्रन, छोटा एक खिलौना भी दो चिल्ड्रन जो बच्चों के बीच में झगड़े का जो है रीजन बन सकता है, तो इसका क्या होगा गाइज, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, मीनिंग क्या होगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। And the last one guys, do you think this examination is a hard nut to crack? So guys, ये तो अब सब familiar होंगे guys, हम examination की preparation ही कर रहे हैं, तो कोई भी examination हो hard nut to crack, ठीक है, तो यानी क्या, difficult job, right? Difficult job, यानी hard nut to crack, इसका meaning होता है a difficult job, ठीक है। So guys, ये 2011 और 2012 के idioms और phrases थे, 2013 और 14 15 के अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। अगर देखिए अभी 2011 में 5 इडियोम्स और फ्रेजेस पूछे गए थे, 2011 में आपको 2012 में 10 पूछे गए, तो अगर 2013 14 या 15 में 10 पूछे हैं तो फिर दो वीडियो के पार्ट बना, दो वीडियो के थ्रू मैं अपलोड करूंगा, और अगर 5-5 है तो फिर एक ही वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये इडियोम्स और फ्रेजेस हम कंप्लीट कर देंगे गाइज, और इसके बाद फिर मैं क्लोज टेस्ट का टॉपिक अपलोड करूंगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है 2010 से लेकर 2015 तक, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है गाइस, सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद आप जल्दी से जल्दी उसका बेनिफिट ले सकते हैं, आप नोटिफिकेशन मिलता है आपको, लाइक कीजिए गाइस अगर आपको पसंद आ रहा है तो,
और कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन देना होगा वो दे दीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ. एंड दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी.